नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड कृष्णा नगर क्षेत्र से है, जहां कुछ लोगों ने गोमती तट अथवा नगर निगम द्वारा बनाए गए छठ पूजा स्थलों पर ना जाकर अपने अपने घरों में पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा मनाया। भीड़भाड़ एवं असुविधाओं से बचने के लिए तमाम लोगों ने अपने मकान के छत पर बाथ टब में पानी भरकर पूजा स्थल बनाया और छठी मैया एवं सूर्य देव की उपासना की। व्रतियों की इस उपासना में आस पड़ोस के लोगों ने भाग लिया। आज प्रातः व्रतियों ने पानी भरे टब में खड़े होकर रहकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आज छठ पूजा का समापन हुआ है। सुबह सुबह उगते सूर्य देव को अर्घ्य देकर इस पूजा का व्रतियों ने समापन किया है। एक तरफ जहां लखनऊ में जगह जगह घाट बनाए गए थे, वहां पर लोगों ने पूजा की, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग घरों में टब में, बड़े से टब में पानी भरकर और उसमें खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना की, छठी मैया की पूजा की, तरह तरह के पवित्र ढंग से बनाए गए पकवान को भेंट किया गया, अर्पण किया गया, फल फूल मेवे इत्यादि अर्पण किए गए। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया गया और इन लोगों ने अपना व्रत तोड़ा। इसी क्रम में यहाँ पर हम राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र स्थित भोलाखेड़ा में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा परिवार है, जो पूरे परिवार एक साथ अपने घर में छठ पूजा मनाए हैं। और आपको तस्वीर दिखाएं, ये टब है, ये टब बड़ा सा टब है, इसमें पानी भरा हुआ है और जिसमें ये लोग खड़े होकर प्रतीकात्मक जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया है। इसी क्रम में माता जी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मालती देवी। आप भी व्रत थी? नहीं, हम तो व्रत नहीं, ये रहते हैं, व्रत रहती हैं। इस पूजा को लेकर क्या कहना चाहती हैं? इस पूजा का क्या प्रताप है? कहना क्या चाहते, बहुत अच्छा लगता है पूजा के लिए, और क्या बताएं आपसे, नहीं अच्छा लगता है, हमेशा आते हैं और बहुत खुशी होती है। आप व्रत थी? जी, क्या कहना चाहेंगे इस व्रत के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि छठ मैया की महिमा बहुत अपरंपार है। 36 घंटे का ये व्रत निर्जला, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि मतलब हम लोग कर पाए, लेकिन इनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि एकदम ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कुछ नहीं। तो बहुत उत्सव के साथ हम लोग ये छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। अच्छा, कितने वर्षों से आप इस व्रत को कर रही हैं? हमारा तो इस बार चौथा साल है जी। कहा जाता है कि परिवार में जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोग इस व्रत को अपने परिवार को किसी को सौंप देते हैं व्रत रखने के लिए, इस पूजा को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि हम जितने साल हम कर पाए, अगर अगला कोई अगर इस व्रत को करने के लिए तैयार है, तो अगर हम ना कर पाए तो हम अपना व्रत उसको ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, अगर करना चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना साल छठी मैया पार लगाए उतना साल। अच्छा, व्रत को लेकर बड़ी लंबी तैयारी की जाती है, व्रत 3 दिन से आप लोग व्रत हैं, देखा जाए तो 2-3 दिन पहले से आप लोग, कैसे कैसे इसका शुरुआत होती है? दिवाली के बाद से हम लोग छठ पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। पहले दिन नहा खा होता है, नहा खा के दिन हम लोग नहा, सुबह उठ के अपना नहा धो के तभी हम लोग चाय पानी वगैरह पीते हैं। पहले गेहूं धो के सुखाते हैं, फिर उसके बाद चाय पानी पीते हैं, फिर वो लौकी की सब्जी, दाल चावल बना के, पकौड़ी वगैरह बना के हम लोग फिर खाते हैं। और फिर उसके बाद से उसके दूसरे दिन खरना होता है, और फिर खरना के दिन हम लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं, और फिर शाम को खरना में वो खीर रोटी यही बनाते हैं, और छठी मैया को हम लोग पहले चढ़ा के फिर हम लोग वही खीर रोटी खाते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग का 24 घंटे का पूरा निर्जला व्रत
अच्छा, बड़ा कठिन काम है जो ठेकुआ प्रसाद, इतना बढ़िया प्रसाद होता है माता जी का, छठी मैया का ये मुख्य प्रसाद है, मुख्य भोग है, तो इसको बनाने के लिए घर में गेहूं धुल के सुखवाया जाता है, तो बड़े पवित्रता का ख्याल किया जाता है और उसको सुखवाने का बड़ा कठिन काम होता है। कठिन काम होता है, कोई चींटी ना जूठा कर दे, कोई मतलब कोई चिड़िया वगैरह ना जूठा कर दे, किसी एक को वहाँ पे बैठना ही, मतलब जब तक सूख न जाए तब तक गेहूं के पास किसी न किसी को बैठना है। अब तो चीटियां खाने लग जाए तो हम लोग लक्ष्मण रेखा घींच के तब छठी मैया के लिए गेहूं हम लोग पसार मतलब सुखाते हैं। जी आप पहली बार इस व्रत में शामिल हुई? हाँ, मेरा पहली बार है ये व्रत छठी मैया का। जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा ये पूजा को देख? बहुत अच्छा लगा, पहले तो बहुत डर लग रहा था कि हो कैसे पाएगा, लेकिन छठी मैया की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई, अच्छे से हो गया। निश्चित रूप से इस व्रत का प्रताप, इस व्रत की महिमा का बखान किया जाए तो कम है, और जिस तरह से पूर्वांचल का यह त्यौहार आज पूरे देश में नहीं विदेशों में भी लोग बड़े धूमधाम के साथ इस व्रत को मना रहे हैं, कहीं न कहीं इसका प्रताप, इसका पुण्य लोगों को मिल रहा है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।